हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन द लास्ट फायर एड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 19 में। तो ब्रो, अभी मैं करेंटली हूँ वर्मिलियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में एंड अभी मैं जाने वाला हूँ आज मैं एक्सप्लोर करूँगा इस सिटी को, क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में एक्सप्लोर नहीं किया था। तो लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ था तो मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में मैं SSN शिप में ही था एंड उधर शिप में मैं कैप्टन से मिला, उसने मुझे HM दिया था, कट HM। इधर आके भाई जिम में बैटल किया लेफ्टिनेंट सर से एंड उसका जिम बैच जीता एंड देन मैंने गेम को सेव कर लिया था। अब इस एपिसोड में मैं करने वाला हूँ इस वर्मिलियन सिटी को पूरा एक्सप्लोर। उसके बाद भाई मैं ब्रैंडन से मिलने जाऊँगा Route 10 में। ब्रो ये इधर क्या कर रहा है, कौन है ये। हेलो यंग ट्रेनर, आई एम घोस्ट टाइप एक्सपर्ट एंड माई नेम इज़ एली। तो इसका नेम आली है एंड ये एक घोस्ट टाइप ट्रेनर है। हर्ड देयर आर स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हियर। अच्छा, इसने सुना है कि इधर बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। सो आई कम टू टेक ए लुक बट आई कुडंट फाइंड ए टैलेंटेड अपोनेंट। मैं एक टैलेंटेड अपोनेंट हूँ। Do you mind if we do a quick battle? Don't worry, I will give you a surprise if you win. So, what do you think? Yeah, मुझे surprise पसंद है। ये क्या बोल रहा है? Sorry, you have a full Pokemon body. अच्छा, तो एक Pokemon को मुझे अपने PC में रखना होगा अगर मुझे इससे battle करना है तो। अगर मैं जीता इसे तो ये शायद मुझे एक ghost type Pokemon देगा, तो मुझे एक को डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैं किसको डिपॉजिट करूँ, राइलू को या पिकाचू को। नहीं ब्रो, पिकाचू का लेवल बहुत है। चलो मैं राइलू को ही करता हूँ या ब्रो मैं राइलू को रखता हूँ PC में। राइलू का लेवल ज़्यादा ही था। एक काम करता हूँ, मैं लाइकनरॉक को रखता हूँ PC में। ओके, अब मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ भाई राइलू को। चलो फिर बैटल करने ब्रो इस घोस्ट टाइप ट्रेनर से। चलो इसे डिफीट करते हैं एंड इसे बताते हैं भाई स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इधर है। तो चलो बैटल करते हैं। इसके पास टोटल 5 पोकेमोन है एंड ये डबल बैटल करेगा। तो भाई ड्रैगनेयर एंड पिकाचू दिखाओ भाई, तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग पावर दिखाओ भाई। अच्छा, डायनामैक्स एनर्जी हो रहा है इधर, डायनामैक्स मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसके ऊपर कौन सा अटैक यूज़ करूँ, स्पार्क अटैक यूज़ करता हूँ मैं मिमिक्यू के ऊपर। एंड ड्रैगनेयर ब्रो तू यूज़ कर ड्रैगन टेल हॉन्टेज के ऊपर। अब हॉन्टेज किधर गया। अच्छा, वो डायनामैक्स हो रहा है हॉन्टेज। ओ ब्रो डायनामैक्स हो गया, मुझे भी डायनामैक्स करना चाहिए। देखते हैं भाई क्या करता है। ये कर्स दे रहा है भाई, कर्स से तो खुद डैमेज मिलेगा उसको लेकिन अपना अपोनेंट को भी डैमेज मिलेगा। पिकाचू यूज़ कर भाई स्पार्क अटैक। एंड क्या हुआ, अबे मिमिक्यू को कुछ नहीं हुआ, इसने डिकॉय कर दिया लेकिन पैरालाइज हुआ है। ओ ब्रो इसने पिकाचू को डैमेज देखो कितना दिया है। ये तो गया भाई, मैं ग्रीन निंजा को बुलाता हूँ एंड ग्रीन निंजा को भाई, ग्रीन निंजा अपना डायनामैक्स नहीं हो सकता लेकिन जी मूव ज़रूर यूज़ कर सकता है। तो मैं हॉन्डेज के ऊपर जी मूव यूज़ करता हूँ, हाइड्रो वोट्रेक्स। भाई तू तो गया ब्रो, एंड तू यूज़ कर भाई क्विक अटैक। नहीं, काम नहीं आएगा क्विक अटैक, ड्रैगन रेज यूज़ कर। तो शैडो स्नीक यूज़ कर रहा है भाई एंड अपने ग्रीन निंजा के ऊपर इसने अटैक किया लेकिन ये इफेक्ट नहीं करा। अब अपना ग्रीन निंजा भाई यूज़ करने वाला है इसका जी मूव, तो हाइड्रो वोट्रेक से अटैक कर भाई हॉन्डेज को एंड उसे डिफीट कर। देखते भाई हॉन्डेज को कितना डैमेज मिलता है, लेट्स सी हॉन्डेज फेंटेड होता है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा हमें। लेट्स गो ब्रो। ओके, हॉन्डेज को डैमेज नहीं भाई, हॉन्डेज फेंडेड हो गया, डिफीट कर दिया हॉन्डेज को ग्रीन निंजा ने। एंड अब हमें मिमिक्यू को डिफीट करना पड़ेगा। हॉन्टर आ गया तो मैं कौन सा अटैक यूज़ करूँ, वाटर श्यूरी अटैक यूज़ करता हूँ मैं मिमिक्यू के ऊपर एंड तू भाई ड्रैगन रेज यूज़ कर हॉन्टर के ऊपर। देखते हैं वाटर श्यूरिक। ओके भाई, ये अपना HP को फुल कर लिया था इसने। ये ऊपर से ये सैंड की वजह से अटैक आ रहा है, सैंड क्या था भाई, सैंड स्टॉर्म की वजह से।
तो वाटर पल्स यूज़ करता हूँ मैं मिमिकू के ऊपर, एंड तू ड्रैगन टेल ट्राई कर भाई, ड्रैगन टेल शायद काम नहीं आएगा। ओ ड्रैगन टेल काम करा भाई, लेकिन उसने स्विच कर लिया। ग्रीन निंजा ब्रो एक काम कर, वाटर पल्स मिमिकू के ऊपर एंड ड्रैगन टेल, इसका नेम क्या है, मिस कुछ तो है, मिस ड्रेवियोस। ओके हॉन्टर वापस आ चुका है एंड डस्कल को भी ले आया है साथ में इसने। तो पहले मैं हॉन्टर को डिफीट करता हूँ, उसके बाद डस्कल को देखता हूँ भाई। डस्कल को ड्रैगनेट तू कुछ करके देख भाई। ओ ग्रीन निंजा को इसने बर्न कर दिया, कम ऑन यार उसको डिफीट कर डस्कल को, ठीक है। ओ ग्रीन निंजा फेंडेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उस अपने ड्रैगनेट ने हॉन्टर को भी फेंडेड कर दिया। एंड इसने कौन सा मूव को डिसेबल कर दिया है, सिंड्रेस आ जा ब्रो इसे डिफीट करने के लिए। इसका मैंने गूगल में सर्च करके देखा, इसका प्रोनाउंस है, प्रोनाउंसिएशन इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, सिंड्रेस या। तो भाई फायर फैंग नहीं ब्रो, पायरो बॉल यूज़ कर एंड फिजिकल अटैक तो लगेगा नहीं। ड्रैगन रेज यूज़ कर भाई, मिस मिस के ऊपर। वो इसने डिसेबल कर दिया है ड्रैगन रेज ड्रेस को। तो ड्रैगन टेल भाई, हाँ डस्कल तो गया एंड ये कन्फ्यूजन ये यूज़ कर रहा है भाई, फायर फैंग एंड ड्रैगन टेल। ओके हमने डिफीट कर दिया है आलीगो सी, आई एम अनलकी, तू अनलकी नहीं था भाई। वो यू रियली सरप्राइज मी, दिस पोकेमोन विल बी स्ट्रॉन्गर विद यू, दिस पोकेमोन हैज़ ए हिडन एबिलिटी एंड यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द दिस एबिलिटी। ओ शिट ब्रो इसने मुझे चार्मेंडर दिया, इफ़ यू कीप चार्मेंडर विद यू मे बी वन डे यू विल नीड दिस। ओ शिट ब्रो इसने मुझे चार्मेंडर दे दिया, टेक केयर चार्मेंडर भाई। इसने मुझे चार्मेंडर दिया एंड एक मेगा स्टोन भी दिया, ये कौन सा मेगा स्टोन है मुझे देखना है। चार्जेडिट एक्स इट हेल्प बाय चार्जेड, ये डार्क वाला होता है ना एक्स, मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ मैं इसे। इसका लेवल कितना है, 25 भाई। अब मैं किसको स्विच करूँ, मैं ड्रैगनेयर को स्विच करने वाला हूँ या ब्रो, मैं ड्रैगनेयर को स्विच करके विड्रॉ कर लेता हूँ भाई मैं। वैसे ड्रैगनेयर का लेवल कितना था, 36, लेकिन मुझे चार्जेड सबसे भाई पसंद है मुझे, इसलिए मैं चार्मेंडर को रखूँगा अपने टीम में। एंड इससे मुझे ये लेना पड़ेगा जी क्रिस्टल, मैं इससे जी क्रिस्टल ले लेता हूँ ड्रैगनेयर से। ड्रैगनेयर ब्रो मैं तेरे को स्विच कर रहा हूँ, या फिर मैं लाइकन रॉक को रख दूँ एंड ड्रैगनेयर को अपने पास ही रखूँ। आई डोंट नो ब्रो क्या करूँ मैं, लाइकन रॉक जो लाइकन रॉक मैं चाहता था वो तो नहीं मिला मुझे। ओके मैं देखता हूँ, लाइकन रॉक को मैं रख देता हूँ इसको, इसके पास कोई आइटम वाइटम है क्या, लाइव ऑर्फ था इसके पास तो ये ले लेता हूँ मैं, लेकिन इसको कट मूव आता है ना, रुको इसका समरी देखता हूँ मैं, इसको शायद मैंने कट मूव सिखाया था या ब्रो। लाइकन रॉक सॉरी बट ठीक है भाई, मैं लाइकन रॉक को अपने टीम में रखता हूँ एंड ड्रैगनेयर नो ब्रो, डिसीजन लेने में मुझे टाइम लग रहा है। एक काम करता हूँ ड्रैगनेयर को ही रख देता हूँ मैं पीसी में, इससे ले लेता हूँ भाई इसका नॉर्मल आई एम जी एंड ड्रैगनेयर को कौन सा मूव आता था भाई, ड्रैगन टेल भाई अच्छा पोकेमोन था। एक काम करता हूँ मैं, ठीक है मैं लाइकन रॉक को ही रख देता हूँ भाई पीसी में एंड मैं ड्रैगनेयर को ही रखूँगा अपने टीम में। तो लाइकन रॉक बाय बाय ब्रो, तुझसे मुझे ये लेना है लाइफ ऑर्ब, इसके लिए विड्रॉ करूँगा मैं तेरे को एंड देन पीसी में रख दूँगा।
लाइफ। और इस गेम में बहुत सारे पोकेमोन हैं एंड कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ मैं किसको रखूँ अपने टीम में एंड किसको नहीं। तो मैं भाई लाइकेनड्रॉक को रखने वाला हूँ पीसी में, अपने पार्टी से निकाल रहा हूँ इसको। इससे मैं ये लाइफ और ले लेता हूँ एंड कट मूव मैं किसी और को सिखा दूंगा। अपना चारमेंटर ही शायद सीख सकता है कट मूव, या ग्रीनिंजा भी सीख सकता है। तो ले लेता हूँ भाई लाइफ और एंड रख देता हूँ इसे पीसी में। मैं विड्रो भाई डिपॉजिट करना है सबसे पहले, देन विड्रो करना है। ओके मैन आ जा भाई, रियोलू। ओके अब मुझे नॉर्मल जी क्रिस्टल देना पड़ेगा किसी को। ड्रैगनेर को ही दे देता हूँ ना, उसके पास पहले से ही था, उसको ही देता हूँ मैं। गिव नॉर्मल ओके, पिकाचू को नहीं देना है, स्विच हो गया क्या? मैं इसको दे रहा था ड्रैगनेर को। ओके एंड ये किसको दूँ भाई? लाइफ ऑर्ब रहने दो, लाइफ ऑर्ब नहीं देने वाला मैं किसी को। अपने पास जो ये था ना चार्जार्ड एक्स, इसको मैं दे के रखने वाला हूँ चारमेंडर को पहले से ही। अब चलो भाई एक्सप्लोर करते हैं इस सिटी को। इधर कौन रहता है मुझे देखना है। अब मेरे चारमेंडर को भाई इवॉल्व करना होगा मुझे। आई एम गेटिंग माई पिजी टू फ्लाई ए लेटर टू सैफ्रन इन द नॉर्थ। तो ये अपने पिजी को भेज रहा है लेटर लिख के, पिजी के साथ अब पे यार। आई एम गेटिंग माई पिजी टू फ्लाई ए लेटर टू सैफ्रन इन द नॉर्थ। अच्छा ये अपने पिजी को भेज रहा है सैफ्रन सिटी में एक लेटर लिख के। I want to exchange mail with all sort of people. I send my PG to a union room to exchange mail for me. तो ये PG को mail के लिए use करते हैं। Hi, will you like me to see your Pokemon happiness point? या भाई इसका देखो, Rylou का देखो। 227। थोड़ा सा और happy करना पड़ेगा Rylou को, Riolu को। उसके बाद वो लुकारियो में इवॉल्व हो जाएगा। डियर पीपी आई होप टू सी यू सून। अच्छा ये लेटर लिख रहा है। आई हैड सैफ्रन हैज प्रॉब्लम विद टीम रॉकेट, वर्मिलियन अपीयर्ड टू बी सेफ। वर्मिलियन तो सेफ है भाई, इधर लुटेनेंट सर्च के वजह से सही भाई, टीम रॉकेट तो है ही नहीं इधर। अच्छा तो सैफ्रन सिटी में टीम रॉकेट है भाई, उनके साथ तो अपना इनकाउंटर होगा ही। आई लव पोकेमॉन दैट आर अनकॉमन एंड मेक अदर ट्रेनर जेलस। ओह इसका तो अलग ही। हाँ द बैटल फील्ड कैन इंक्रीज योर चांस टू विन द बैटल। व्हाट इसने क्या बोला? द बैटल फील्ड कैन इंक्रीज योर चांस टू विन टू बैटल, दैट्स व्हाई योर पोकेमोन मस्ट हैव ए ट्रेन मूव। आई कैन टीच योर पोकेमोन ए ट्रेन मूव सो आर यू इंटरेस्टेड। ट्रेन मूव अच्छा, मिस्टी इलेक्ट्रिक साइकिक ग्रासी इलेक्ट्रिक ट्रेन को पिकाचू सीख सकता है। सिखाऊं क्या वैसे? मैं सिखा देता हूँ भाई एक स्पेशल मूव। तो इलेक्ट्रोवॉल का पावर कितना है भाई? स्पार्क का कितना है भाई? मैं स्पार्क को हटा के ये सिखा रहा हूँ, नहीं स्पीड अप को हटा के सिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक ट्रेन सिखा रहा हूँ इसे। थैंक्स मैन। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं? द स्ट्रेंथ इज इन द हैंड्स, पंच पंच पंच, आई हैव व्हाट यू नीड। ओ ये भी भाई पंच टाइप, फायर पंच, थंडर पंच, आइस पंच कौन सीख सकता है? ग्रीनिंजा सीख सकता है भाई, तो इसे सिखाने वाला हूँ मैं। ग्रीनिंजा भाई तू वाटर श्यूरी को हटाऊँ क्या मैं? नहीं भाई स्मोक स्क्रीन को हटाता हूँ एंड आइस पंच सिखाता हूँ इसे। ओके फायर पंच मुझे सिखाना है भाई, फायर पंच। सिंड्रिस सीख सकता है अपना, तो इसे सिखाता हूँ मैं। काउंटर को हटा के भाई फायर पंच सिखा रहा हूँ मैं। ओके एक और पंच था तेरे पास, साइकिक पंच नहीं, थंडर पंच कौन सीख सकता है भाई? अपना चारमेंडर सीख सकता है, तो इसे सिखाता हूँ भाई। इसके लिए बेस्ट मूव है ये। तो ड्रैगन रेज आता है भाई अपने चारमेंडर को, स्केरी फेस
तो मैं स्केरी फेस को हटा के सिखा रहा हूँ। ओके भाई, ओके। एंड ये छोटी लड़की, हाय डू यू हैव यैम्पर? नहीं मेरे पास नहीं, वांटेड ट्रेड? नहीं ब्रो मेरे पास है नहीं, तो मैं ट्रेड कहाँ से करूँगा तुझसे। ओके भाई, वर्मिलियन सिटी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। ये किसका घर है? पोकेमोन फैन क्लब, ऑल पोकेमोन फैंस वेलकम। तो मैं एक पोकेमोन का फ़ैन हूँ, तो मैं भी वेलकम हूँ इधर। वो ब्रो पिकाचू है इसके पास। एंड ये कौन है? सील। इसके पिकाचू के बारे में पूछता हूँ मैं। वोंट यू एडमायर माई पिकाचू अडोरेबल टेल? या आवर चेयरमैन इज़ वेरी वोकल अबाउट पोकेमोन। तो चेयरमैन से मैं बात करता हूँ एंड पूछता हूँ। ओ डियर, माई सील इज़ फार मोर अट्रैक्टिव बाई डबल आई विल से डूबल। अच्छा, आई चेयर द पोकेमोन फैन क्लब। आई रेज मोर देन 100 पोकेमोन। आई एम वेरी फुसी व्हेन इट्स कम टू पोकेमोन। आई श्योरली आई एम। सो डिड यू कम विजिट टू हेयर अबाउट माई पोकेमोन? येस। गुड, देन लिसन अप। माई फेवरेट इज फेवरेट रैपिडास। इट्स क्यूट लवली स्मार्ट प्लस अमेजिंग। यू थिंक सो? ओ येस, इट्स टर्निंग। काइंडली लव इट, हग इट व्हेन स्लीपी वार्म एंड कडली स्पेक्टुकुलर रैविजिंग। ओप्स, लुक एट द टाइम, आई कीप्ड यू टू लॉन्ग। थैंक यू फॉर हियरिंग मी अबाउट हियर मी आउट। आई वॉन्ट टू हैव दिस। भाई इसने मुझे बाइक वाउचर दिया, तुम्हें पता है ये बाइक वाउचर कितना अमेजिंग है। टेक द बाइक वाउचर टू बाइक शॉप इन सुरेलिन सिटी। एक्सचेंज दैट फॉर ए बाईसाइकिल फ्री ऑफ चार्ज। डोंट वरी, माई फेवरेट फेरो विल फ्लाई मी एनीवेयर आई नीड टू गो। सो आई हैव नो नीड फॉर ए बाईसाइकिल। आई होप यू लाइक साइकिलिंग। ब्रो मैं तो लेने वाला हूँ ये साइकिल। तो मुझे इधर एक रेड कार्ड मिला है। आइटम हेल्प बाय पोकेमोन हिट बाय अटैक, द अटैकर इज रिमूव फ्रॉम बैटल। भाई ये तो अच्छा रेड कार्ड है, आइटम है। तो मैं रखूँ किसको? दूँ? एक बार यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं इसको? नहीं, किसको दूँ मैं? रायलू के पास क्या है? ये देता हूँ भाई रायलू के ऊपर अगर कोई। ठीक है भाई, रिप्लेस कर दिया। ये अच्छा आइटम था एक। ठीक है ब्रो, और भी घर है इधर, तो उधर जाता हूँ एंड पूछता हूँ। वी आर केयरफुल अबाउट पॉपुलेशन हियर। वी हैव हर्ड ग्रीमर मल्टीप्लाइज इन टॉक्सिक स्लर्ज। ओह, सो द SSN हैज डिप्रेडेड। सी विल बी बैक इन वर्मिलियन अबाउट द नेक्स्ट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर आने वाला है SSN। ये किसका घर है ब्रो? If you want to be a good fisherman, you need to write material and you have to choose the right poogie ball. भाई इसने लोअर बॉल दिया कैचिंग। अच्छा, रॉड के साथ। ये कौन है भाई? टीवी में क्या देख रहे हैं ये? आई एम ए रेलिक कलेक्टर। थिंक ऑफ मी इफ यू फाइंड वन रेलिक। अगर मिलेगा तो ज़रूर मैं तुम्हारे पास आऊँगा देने। आई एम द फिशिंग गुरु। I simply love fishing. I can't bear to go without. Tell me, do you like fish? Like to fish? Yes. Grand. I like your style. I think we can be friend. Take this and fish, young friend. भाई ये old rod तो मेरा काम का नहीं है। Fishing is a way of life. It is like the finest priority. From the sea to river, go out and land the big one, my friend. Okay, bro. कलेक्ट करना था, कलेक्ट कर लिया। इस घर में गया था क्या मैं? नहीं, ये तो लॉक है। इधर तो पोकेमोन सेंटर होता अगर फायर रेड में। इधर पोकेमोन सेंटर है, यानी उधर अभी कर दिया है। ये कौन है भाई? ओ हेलो फिनिक्स, हाउ आर यू डूइंग? ये तो प्रोफेसर ओक का आईडी लग रहा है। इट्स मी, वन ऑफ प्रोफेसर ओक आईडीज असिस्टेंट आईडी। डिड यू मीट द अदर आईडी? He had a package from Professor Oak for you, Phoenix. He said he will look for you around Route 2. Phoenix, if you are in the Route 2 area, please look for him. Okay, lekin Route 2 mein main jaunga kaise?
आई एम पुटिंग अप ए बिल्डिंग ऑन दिस प्लॉट ऑफ लैंड आई ओन इट ऑल। लेकिन इधर तो पोर्टल हो चुका है एक तैयार। माई पोकेमोन इज स्टैम्पिंग द लैंड टू ले द फाउंडेशन। क्लियरली दिख रहा है तुम्हारा फाउंडेशन क्या काम कर रहा है। मैं हील कर लेता हूँ। मैंने हील किया था क्या बैटल करने के बाद? आई थिंक मैं भूल चुका था हील करना, तो हील कर लेता हूँ मैं। एंड चलो भाई, ये क्या है? टिकलेट केव। एंड यहाँ पे एक बोर्ड है, नोटिस रूट 12 में बी ब्लॉक्ड ऑफ बाय स्लीपिंग पोकेमोन। तो रूट 12 ब्लॉक है, डिटोर थ्रू रॉक टनल टू लेवेंडर टाउन। अच्छा ओके, तो रूट 12 में तो मैं जा नहीं सकता, उधर ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है। तो अगर मुझे लेवेंडर टाउन जाना है, इधर अगर मुझे रूट 11 में जाना है, तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा, रॉक टनल लेके होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है ब्रो, तो अभी मैं गेम को सेव कर लेता हूँ एंड मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।